दोस्तों इस वीडियो में मैं तुहानू जानकारी देवांगा कि इलैक्शन संबंधी डाइस कैप्सूल सॉफ्टवेयर नू असी किवें डाउनलोड कर सकते हाँ, किवें इंस्टॉल कर सकते हाँ, इस दी यूजेस संबंधी पूरी जानकारी तुहानू इस वीडियो में दी जाएगी। तो जेकर तुसी अजे तक मेरे यूट्यूब चैनल शब्दों की दुनिया प्रेम रत्रा सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल में सबसक्राइब कर लवो ताकि होर इनफॉर्मेशनल वीडियो तुहाडे तक पहुँचदियां रहन। तो वीडियो में शुरू करते हाँ। डाइस कैप्सूल सॉफ्टवेयर नू सही तरीके चलाने लई सब तो पहला एडमिनिस्ट्रेटर नू अनेबल करांगे। सो माई कंप्यूटर ऑप्शन ते राइट क्लिक करो, मैनेज ऑप्शन ते क्लिक करो, इथों लोकल यूजर एंड ग्रुप इस ऑप्शन ते क्लिक करो, यूजर ते एडमिनिस्ट्रेटर इस ते राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी ते क्लिक करो। तो बाय डिफॉल्ट अकाउंट इज़ डिसेबल है, इस टिक नू हटा देवो। तो पासवर्ड नेवर एक्सपायर इस ऑप्शन नू टिक करो, उस तो बाद विच अप्लाई ऑप्शन ते क्लिक करो, ओके ते क्लिक करो, दोबारा राइट क्लिक करो तो प्रॉपर्टी ते क्लिक करो कि साडा एडमिनिस्ट्रेटर अनेबल हो चुका है। इस नू बंद करो, किसी भी वैब ब्राउज़र नू ओपन करो तो इस विच टाइप करो kapoorthala.gov.in। इस वैबसाइट नू ओपन करो, कपूरथला जिले की ऑफिशियल वैबसाइट ओपन हो चुकी है। इतों इलैक्शन टैब पर क्लिक करो तो उस विचों डाइस कैप्सूल फॉर इलैक्शन स्क्रॉल डाउन करो। इतने सब तो पहला डाइस कैप्सूल सॉफ्टवेयर है, उस तो बाद विच यूजर मैनुअल, नैक्सट विनर आर सैटअप, फोर्थ पिक्चर रिसाइजर, तो लास्ट ते एनी डेस्क। सो डाइस कैप्सूल इस सॉफ्टवेयर नू डाउनलोड करो, ओके ते क्लिक करो तो एक नवी टैब खुल जाएगी। ये नवी टैब गूगल ड्राइव में खुलेगी, इतों डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करो, डाउनलोड एनी वे इस ऑप्शन पर क्लिक करो तो तुहाडी फाइल डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। एरो ते क्लिक करो तो शो इन फोल्डर इस ऑप्शन पर क्लिक करो, इतों फाइल नू कॉपी करो जां कट करो तो इस नू जिस भी लोकेशन पर तुसी रखना चाहते हो उत्थे इस फाइल नू पेस्ट करो। मैं इस फाइल नू डेस्कटॉप पर रख रहा हाँ। साड़ी ये रार फाइल है, इस नू अनजिप करने लई इस ते राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट टू डाइस कैप्सूल पैकेज 6.5 इस ऑप्शन पर क्लिक करो। फाइल एक्सट्रैक्ट होने तो बाद एक नवा फोल्डर सानू दिखाई दे रहा है, उस फोल्डर नू ओपन करो, फोल्डर ते क्लिक करो, सैटअप ते राइट क्लिक करो ते रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इस ऑप्शन ते क्लिक करो। इंस्टॉलेशन होनी शुरू हो गई है, ओके ते सैटअप आइकन ते क्लिक करो, डाइस कैप्सूल 6.5 ते कंटिन्यू ते क्लिक करो। इस नू रीट्राई करो तो जेकर फिर भी ये फाइल कॉपी नहीं हो रही तो इस नू इग्नोर करो। यस ते क्लिक करो। ओके ते क्लिक करो। इस विंडो नू बंद कर देवो जां मिनीमाइज करो। स्टार्ट बटन ते क्लिक करो। डाइस कैप्सूल 6.5 शो हो चुका है, इस ते राइट क्लिक करो ते रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इस ऑप्शन ते क्लिक करो। इत्थे माइक्रोसॉफ्ट एसएस दी डाटाबेस फाइल उसका असी पास देवांगे। सो जिस भी लोकेशन पर तुसी अपनी फाइल नू रख्या है उस लोकेशन नू सिलेक्ट करो। असी डेस्कटॉप कर रहे हैं, इतों डाइस कैप्सूल इस फोल्डर नू ओपन करो तो डिपार्टमेंट डाटा
इस फाइल में सिलेक्ट करो तो ओपन पर क्लिक करो। सिलेक्ट डिपार्टमेंट, इतों असं अपने संबंधित डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करा, जिमें साडा डिपार्टमेंट एजुकेशन सेकेंडरी है। उस तो बाद विच तुहाडा स्कूल ते स्कूल नाल होर संबंधित अटैच स्कूल जिन्हां दा डाटा तुसीं इस विच ऐड करना चाहुंदे हो उन्हां दे नाम सिलेक्ट करो। सो असीं अपने स्कूल ते नाल दो होर मिडल स्कूल जो अटैच हन उन्हां दा डाटा इत्थे ऐड करांगे। इस तो बाद विच इंस्टॉल ऑप्शन ते क्लिक करो, यस ते क्लिक करो। ओके ते क्लिक करो। डाइस कैप्सूल सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। इथों ट्रांजैक्शन ऑप्शन ते क्लिक करो ते पहली ऑप्शन पोलिंग पर्सनल डाटा एंट्री एंड एडिटिंग, इस ऑप्शन ते क्लिक करो। इथों ऐड ऑप्शन ते क्लिक करो ते हुण असीं अपने ते अपने नाल संबंधित सारे मिडल स्कूलों का डाटा इत्थे फिल कर सकते हाँ। सो सब तो पहला मैं अपना डाटा फिल करके तुहानू दसांगा। सो जिहड़े असैंबली कंस्टीट्यूएंसी विच तुहाडा स्कूल आउंदा है उसनू सिलैक्ट करो। उस तो बाद विच अपने ऑफिस का नाम सिलैक्ट करो, एड्रैस लिखो, नैक्सट नेम जिस कर्मचारी का डाटा तुसीं फिल करना चाहते हो, फादर नेम, तो उस कर्मचारी का असैम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसी केड़ा है उसनों सिलेक्ट करो, डेजिग्नेशन कर्मचारी की जो भी डेजिग्नेशन है, मेल या फीमेल इसनों सिलेक्ट करो, तो कर्मचारी ने पहला इलेक्शन केड़ी ड्यूटी की है उसनों सिलेक्ट करो, क्लास ए बी सी जो भी है उसनों सिलेक्ट करो, पे स्केल सिलेक्ट करो, नेटिव असैम्बली सिलेक्ट करो, बेसिक पे लिखो, सिलेक्ट एज विच कि तुहाडी कि ड्यूटी बनती है उसनों सिलेक्ट करो, एपिक नंबर भरो, वोट रजिस्टर्ड एट असैम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस असैम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसी विच तुहाडी वोट रजिस्टर्ड है उसनों सिलेक्ट करो, तो जेकर तुहाडी कोई भी करैक्शन है तो उसनों दोबारा तुसीं चेंज कर सकते हो। पार्ट नंबर फिल करो तो पार्ट नंबर का सीरीयल नंबर, उस तो बाद विच अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करो, डेट ऑफ रिटायरमेंट, अपना मोबाइल नंबर फिल करो, ईमेल आईडी ऑप्शनल है। सब तो पहला बैंक का नाम सिलेक्ट करो, अकाउंट नंबर फिल करो, आईएफएस कोड फिल करो, इंप्लॉय टाइप तुसी कंट्रैक्चुअल इंप्लॉय हो या रेगुलर उसनों सिलेक्ट करो, रिमार्क्स जेकर कोई तुसी रिमार्क्स देना चाहते हो, अदरवाइज अपलोड फोटोग्राफ या कैप्चर फोटोग्राफ इस ऑप्शन पर क्लिक करो। असी फोटो अपलोड करांगे, सो अपनी फोटो नू सर्च करो, फोटो नू सिलेक्ट करो तो ओपन पर क्लिक करो, तुहाडी फोटो शो हो चुकी है। सारे फील्ड नू चेक कर लवो तो उस उपरंत सेव ते क्लिक करो। 11, 13 ते 15 नंबर तुसी फिल कर दते हन, जेकर फिल कर दते हन तो यस ते क्लिक करो, ओके ते क्लिक करो। सो एक इंप्लॉय का डाटा फीड हो चुका है तो बाकी इंप्लॉय का डाटा असी ऐड ऑप्शन ते जाके इस तरीके नाल ऐड कर सकते हाँ। सो जेकर असी किसी इंप्लॉय के डाटा नू एडिट करना चाहते हाँ तो उस इंप्लॉय का डाटा ओपन करो, तो
ਤੇ ਐਡਿਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਕਰੋ ਤੇ ਸੇਵ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।